हेलो गाइस, स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल बासुंदर में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने पेटीएम एप्लीकेशन से किसी को भी मोबाइल नंबर से पैसे ट्रांसफ़र कैसे कर सकते हैं। तो गाइस, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, और वीडियो पसंद आ जाए तो वीडियो को लाइक, कमेंट और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, हम यहाँ से अपने पेटीएम एप्लीकेशन को ओपन कर लेंगे। गाइस, ओपन करने के बाद कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देगा। तो गाइस, आपको करना क्या है, ये जो लिखा है स्कैन से पे का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो गाइस, वहाँ से जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ से हम स्कैन करा के भी उस बंदे को पैसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर वो बंदा मतलब दूरी पर है, आप उसे स्कैन करा कर नहीं भेज सकते हैं। तो आप यहाँ से ये जो लिखा है इंटर मोबाइल नंबर, यहाँ पर इस पर आपको क्लिक करना है और उस बंदे का यहाँ पर मोबाइल नंबर डालना है, जिस भी मोबाइल नंबर से वो अपना अकाउंट चला भी रहा हो। तो कहीं से यहाँ से हम उसका मोबाइल नंबर डाल देंगे जिस नंबर से वो अपना अकाउंट चलाता है। तो कहीं से यहाँ से हम उसको डाल करके, और यहाँ से ये जो लिखा है प्रोसीड का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कहीं से यहाँ पर आप जैसे ही क्लिक करोगे, यहाँ पर नीचे दे देगा पे का ऑप्शन, इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो कहीं से यहाँ पर क्लिक करके और यहाँ से अपना अमाउंट डाल दीजिए, जितना अमाउंट उसे भेजना चाहते हैं। तो भाई फ्रेंड्स, मैं यहाँ से अपना अमाउंट डाल देता हूँ। उसके बाद दोस्तों, यहाँ पर लिखा है पे का ऑप्शन, यहाँ पर से आप पे पर क्लिक करेंगे। तो फ्रेंड्स, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपका पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं पूरा लाइव प्रूफ कि पैसा उसके अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुका है सक्सेसफुली। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। तो फ्रेंड्स, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।